नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एस के एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते होंगे कि आप लोग ठीक से होंगे और पूरे मन लगा के जो है पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरे जोर शोर के साथ जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो है फ्रेंड्स, जोर शोर के साथ पढ़ाई करना भी है, क्योंकि जो है भविष्य में पछतावा नहीं होना चाहिए कि यार हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, जब मार्क्स कम आ जाते हैं ना तो पछतावा रहता है कि यार हमने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो इस समय से आप लोग जितना समय दे सकते हैं अधिक से अधिक समय दीजिए, अपने आप को थोड़ा जो है मैनेज कीजिए, बांध के रखिए अपने आप को, ठीक है ना। और जो है अधिक से अधिक मेहनत कीजिए ताकि अधिक से अधिक जो है आपका जो है रिजल्ट बन के आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 12C का क्वेश्चन नंबर 3। पहला दूसरा बता चुके हैं, ठीक है ना, तो तीसरा देखते हैं आज लगभग इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 12C कंप्लीट कर देना है, तो ठीक है ना। तो देखिए तीसरा क्या कहता है। दी हुई आकृति में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, ठीक है ना, ये पथ दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की, ठीक है, तो दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितनी है, 60 है, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितना है, 60 है, ठीक है ना, 60 है। तथा इसके प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक अर्धवृत्त को छोड़ के जो एकदम सीधा लंबा होगा वह जो है कितना है, 106 मीटर है, कितना है, 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अंदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका फिगर समझना, ठीक है ना। तो फिगर भी हम बना के देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका हम फिगर बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि दो समांतर रेखाएँ हैं ना, और इन दो समांतर रेखाओं में अर्धवृत्त जो है लगा हुआ है, अर्धवृत्त लगा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से जो ये दूरी है, कह रहा है कि दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 है, ठीक है, तो ये हो गया 60, ठीक है, ये हो गया 60। अब देखिए अब कह रहा है कि और यहाँ से इसकी इन दोनों के बीच की दूरी जो है एकदम बिल्कुल सीधा है, ये भी जो है 106 है, ये कितना है, 106 है, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ा, फिर इसके बाहरी तरफ 10 मीटर चौड़ा जो एक ऐसे ही पथ जो है बना हुआ है, ठीक है, 10 मीटर चौड़ा जो है एक ऐसे ही पथ बना हुआ है इसके चारों ओर, ठीक है, दे रहा है, और ये कितना है, 10 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना, 10 मीटर चौड़ा है ये, ठीक है। तो 10 मीटर ये जो है बड़ा रहेगा, ठीक है, 10 मीटर दोनों तरफ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, 10 10 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इधर भी 10 मीटर बढ़ेगा, ठीक है, इधर भी 10 मीटर बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि हम लोगों को इसका जो है क्या निकालना, इस पे कह रहा है कि आंतरिक पथ पे जो है पथ के आंतरिक किनारों के अंदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, तो पथ का आंतरिक किनारा कौन सा होगा, अंदर का किनारा यही ना होगा, इस पे दौड़ना है। तो दौड़ने का मतलब क्या हुआ कि इस ये कितनी लंबी है, अगर इसकी लंबाई निकाल दी जाए तो ये जो है चली गई दूरी निकल जाएगा, इस पे जो है चली गई दूरी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों किनारों पे अर्धवृत्त लगा हुआ है, तो अर्धवृत्त का परिधि निकाल दी जाए, दोनों का अर्धवृत्तों का परिधि, ठीक है, अच्छा है, दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ा जाएगा, दोनों अर्धवृत्त क्या होंगे, समान होंगे, तो एक वृत्त बन जाएगा। तो या तो वृत्त का परिधि ज्ञात कर लीजिए, या तो 2 गुणे अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब रही बात कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी क्या है दूरी जो है चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो 60 है ना, तो देखिए इसके आधे आध से ही लेके जो क्या बना होगा, ये वृत्त बना होगा, ठीक है ना। इसको चाहे तो हम लोग व्यास कह सकते हैं, ठीक है, इसके आधे आध से ही जो है दूरी लेंगे तो ये वृत्त बनेगा, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 30, ये और ये जो है 60 है, मैंने इसकी चौड़ाई जो है 60 है, तो समझ लीजिए कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त जो है अगर कोई भी रेखा है और इस पे होके इन दोनों बिंदुओं से होके अगर अर्धवृत्त खींचना है ना,
तो क्लियर है कि इसके आधे हाथ से जो है चाप काटना पड़ेगा, तब जाके ऐसे जो है अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है ना। तो अब जो है अर्धवृत्त ये बन गया, कितना इसकी त्रिज्या हो गई 30, ठीक है। तो इस अर्धवृत्तों का क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे, एथी परिधि, एथी परिधि ज्ञात कर लेंगे, इन अर्धवृत्तों का जो है परिधि ज्ञात कर लेंगे, और प्लस ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस पथ की जो है, इस मार्ग की जो है क्या हो जाएगी, इस मार्ग की जो है कुल दूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो है, यहाँ जो है हम लोग जो भी दिया गया है उसको नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप लोग नाम दे सकते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी करके आप लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ए से बी तक की दूरी कितना है, ए से बी तक की दूरी कितना है, 106 यानी 106। और डी से सी तक की दूरी भी जो है कितनी है, डी सी की दूरी भी जो है 106 है ना, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग इसकी दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या जो है पता चल गया कितना होगा, त्रिज्या यानी कि आर इस वृत्त अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 30, ठीक है। तो अब हम लोग जो है निकालेंगे पथ के आंतरिक किनारे के अंदर से एक चक्कर की दूरी, पथ के आंतरिक आंतरिक किनारों के अंदर से, आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर की दूरी, ठीक है। पथ के आंतरिक किनारों के अंदर से एक चक्कर की दूरी निकालना है हम लोगों को। तो भाई ये दूरी और ये दूरी जोड़ देंगे, तो 106 यानी कि 106, 106 प्लस में जो है क्या हो जाएगा, इसके अर्धवृत्त की परिधि, तो दो अर्धवृत्त हैं, तो दो गुणे अर्धवृत्त की परिधि, तो दो गुणे अर्धवृत्त की परिधि करेंगे, अर्धवृत्त की परिधि करेंगे करेंगे तो ये हो जाएगा 106 प्लस 106 इंटू टू इंटू अर्धवृत्त का परिधि 1/2, 2π आर करेंगे ना। तो अब जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 106 106 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 212, 106 106 जोड़ेंगे तो 212 हो गया, और प्लस में जो है 2π r, तो 2π r फिर बचेगा, तो 2π r बचेगा ना भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो 2π r बच गया क्योंकि 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 212 प्लस में 2 × π का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना होगा, तो 30, ठीक है। तो 212 प्लस में, इसमें से कोई कटने वाला है, कोई नहीं कटेगा, तो 22 × 44 और गुणे 30/7 हो जाएगा 7, ठीक है। तो 212 प्लस में 44 का 4 × 3 12 के 4 × 12 13 0 बाहर लीजिएगा, और 7 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 7 × 14 = 4, 7 × 1 = 8, 7 × 2 = 14, ठीक है, इतना हो जाएगा। प्लस में जो है कितना हो जाएगा, 13/20, अब बट्टे में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2804 अब बट्टे में 7 मीटर, ठीक है, बट्टे में 7 मीटर जो है इसकी लंबाई हो गई, आंतरिक पथ की लंबाई हो गई, ठीक है। तो आंतरिक पथ की लंबाई हो गई। अब जो है क्या करना है, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि वृत्ताकार वृत्ताकार इस पथ की जो है क्षेत्रफल कह रहा है, इस पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पथ का जो है क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो इस पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ना, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे देखिए ये जो है
एक आयत बन रहा है, एक आयत बन रहा है कि नहीं, तीस आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, और ऐसे ही एक आयत ये भी बन रहा है ना, तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए। ठीक, तो इस आयत का क्षेत्रफल आप प्लस में लिखिए, ये और ये, यानी कि इस पे जो है दो वृत्त बन रहे हैं ना, एक ये अर्धवृत्त और एक ये अर्धवृत्त, तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए। ठीक है ना, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब बड़े वाले बाहरी अर्धवृत्त का जो है त्रिज्या कितना होगा, तो 10 और बढ़ जाएगा बाहरी अर्धवृत्त के त्रिज्या, तो 30 10 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या, आयत ए बी सी, आयत आयत मैंने इस आयत का क्षेत्रफल ना निकाल देंगे, डी सी, इसको डी डैश सी डैश नाम दे दीजिए, ये सी डैश कर दीजिए। ठीक है, या ये भी है तो इसको जो है ए डैश कर दीजिए, और इसको जो है बी डैश कर दीजिए, मैंने इस आकृति का। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, आयत पथ का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे आयत 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 बनेगा आयत डी सी और सी डैश और डी डैश का क्षेत्रफल, धन में जो है आयत आयत किसका क्षेत्रफल, ए बी ए डैश और बी डैश का क्षेत्रफल, और प्लस में जो है क्या दो अर्धवृत्तों के अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 106 है लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई या गुणे चौड़ाई, होता है आप प्लस में यहाँ भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। ठीक है, आप प्लस में जो है अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 40। ठीक है ना, बड़े वृत्त का त्रिज्या यहाँ जो है, देखिए बड़े वाले बाहर वाले वृत्त का, भाई देखिए इस वृत्त को मैंने ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त जोड़ा जाए तो पूरा वृत्त का जो है, पूरा वृत्त एक बनेगा ना, ये आधा जोड़ा जाए तो पूरा वृत्त बन जाएगा ना, तो हम लोग वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल दें, यानी कि आर कैपिटल हो जाएगा 40 और स्मॉल आर 30 है, ये तो हो जाएगा 30। ठीक है, तो हम लोग जो है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, दो अर्धवृत्ताकार है तो एक वृत्त को जो है क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो काम चल जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई और आर का स्क्वायर, माइनस माइनस में जो है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, तो पाई और आर स्क्वायर घटा देना है। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों का जो है ये जो है पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए, अब इस आयत का अगर देखा जाए, इस आयत का अगर देखा जाए तो चौड़ाई होगा, लंबाई 106 हो जाएगा। ठीक है ना, वही इसी के समांतर ये भी लंबाई है तो ये भी 106 होगा, तो 106 लंबाई हो गया और चौड़ाई 10 है क्योंकि इसकी चौड़ाई 10 मीटर है पथ की। ठीक है, तो 106 गुणा 106 गुणा 10 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी 106 गुणा 10 कर देंगे, और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे और 40 माइनस जो है क्या कर देंगे, 40 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 106 में जो है 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1060, और प्लस में 1060, और प्लस में जो है कितना हो जाएगा, पाई का मान पाई अभी रहने दीजिए, और फिलहाल में इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 चौका 1600 हो जाएगा, है, और 3 तरीके
900 हो जाएगा, ठीक है 900 हो जाएगा, होगा ना। अब जो है इसको जोड़ लीजिए, तो 0, अच्छा, 12 के 2 हंसले, 1 1 1 1 2, 21 20 हो जाएगा, ये 21 20 हो जाएगा। प्लस में जो है अब इसको जो है करेंगे तो ठीक है। अब जो है अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का मान 22/7 ले लीजिए, हैं, और इसको जो है अगर 1600 में से 900 घटाएंगे, 900 तो ये हो जाएगा 700, 700 होगा, हैं, 700 हो जाएगा। तो 21 20 और प्लस में 700 ही काट दीजिए तो 100 होगा, होगा ना, तो ये हो जाएगा 2200 होगा। 2200 में इतना जो है 2120 जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना, 0 0 तो 0 हुआ, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हुआ, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हुआ, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हुआ, यानी कि 4320 वर्ग मीटर जो है ये क्षेत्रफल हो जाएगा, हो गया। तो ये जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र माना है, ठीक है ना, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, यानी कि ये जो समझिए कि त्रिज्या है, ठीक है ना, त्रिज्या लेकर, ठीक है, बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है, ये जो है वृत्त खींचा गया है, खींचा जाता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया ही है, ठीक, तो इस त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल जो है घटाना पड़ेगा, तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना होगा, ठीक है ना, तो त्रिज्या ज्ञात करना होगा। अब देखिए ए पी की भुजा जो है, ये त्रिभुज की भुजा, ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसमें जरूर त्रिज्या शामिल है, यानी कि ये भुजा शामिल है ना, तो ये भुजा निकल जाए, और ये भुजा कितनी हो सकती है, ये भी मान लीजिए आधा आधा आर होगा ना, तो ये आर है, ये आर है, यानी कि 2 आर पूरा भुजा, ये भी बराबर जो है 2 आर हो जाएगा ना, तो यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसकी तुलना कर दी जाए तो हम लोग का जो है ये आर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये फिगर कुछ ऐसे बना है, ठीक है, जब कह रहा है कि बिल्कुल आधे आधा भाग, मतलब समबाहु त्रिभुज का आधा भाग लेके और इस वृत्त को बनाया गया है, तो आधा भाग लेंगे तो ये जो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या होगा, होगा ना, तो सब क्या होंगे, त्रिज्याएँ हो जाएंगी, और सब त्रिज्या क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का आधा करके जो है इसने बनाया है, ठीक है, तो त्रिज्याएँ हो गई समान, ठीक है। तो अब हम लोग जो है त्रिज्या ज्ञात करना है हम लोग को, तो देखिए दिया हुआ है क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसी से हम लोग को तुलना कर लेना है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है इसे तुलना कर देंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 अब भुजा के वर्ग, √3/4 अब भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग, ठीक है ना, और इतना बराबर हम लोग मान लेंगे कितना जो दिया है, क्या ये 17,320.5, ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। तो अब √3/4 और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, तो देखिए ना ए आर है, मतलब इसको हम लोग अगर त्रिज्या मानते हैं तो ए आर है, ठीक है, तो 2 आर नहीं हो जाएगा, भुजा 2 आर, ठीक है भाई, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, ठीक है, तो ए बी की लंबाई कितनी होगी, 2 आर के बराबर नहीं हो जाएगी, ए बी की लंबाई बराबर 2 आर, मतलब आर धन आर, तो 2 आर नहीं हो जाएगा, तो 2 आर हो जाएगा, ठीक है ना,
माने 2 R इसलिए माना, R इसलिए माना गया कि ताकि ये त्रिज्या है और त्रिज्या जो है आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 R हो गया, और इसका वर्ग करना है। बराबर कितना होगा, तो 17,320.5 होगा, 17,320.5 हो गया। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए इसमें जो है √3 का जो मान हम लोग जो है ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसमें पाई का मान जो है 3.14 लेना है, 3.14 तभी आएगा, और √3 का मान होता है 1.73205, 73205 होता है, ठीक है। तो हम लोग को पाई का मान जहाँ भी आएगा 3.14 इसमें लेंगे, ठीक है ना, और √3 का मान ले लेंगे 1.732, 1.7 इसमें नहीं लगेंगे, 1.73205, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको ज्ञात करेंगे, तो अब जो है इसको इधर लाएंगे, 2R² बराबर इतना, तो अब इसको इधर लाएंगे तो 2R² बराबर हो जाएगा 17,320.5, ये उधर आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है यहाँ क्या करेंगे, 17,320 यहाँ पे है, 17,320.5 गुणे 4 बटन हो जाएगा 17,000। √3 का मान कितना होगा, 1.732005, 1.732005 होगा ना, 1.732005 ये दिया है, 17,320 लोगों ये सेम है ना, 10 का अंतर है, ठीक है। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते, ठीक है। तब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे 10 हटाने के लिए कितना से गुणा कर दिया जाए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 5 को 0 से गुणा कर दिया जाए, यानी कि 17,320.5 में कितना से गुणा कर दिया जाए, 1 और 5 0, भाई नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी तो करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 0, ठीक। अब गुणा ये 4 रहेगा ही रहेगा, और बटे में इसमें अगर गुणा कर दिया जाए 17 मैंने 1,1732.05 में कितना से गुणा कर दिया जाए, 5 0 से, 5 0 से 10 को इधर यहाँ लाना है इसलिए, ठीक है। तो 5 0 से गुणा हो जाएगा इसमें भी, और 5 0 से गुणा हो जाएगा ऊपर भी, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, और हमारा काम भी बन जाएगा, ठीक है। तो 10 हट जाएगा, तो ठीक है। तो अब इसमें जो है, अब इसमें अगर गुणा कर देते हैं तो हम इसको लिखेंगे 1 अंक बाद 10 है ना, तो 5 0 बढ़ाने के बाद 1 अंक बाद 10 लग जाएगा, यानी कि 17,320 आप 0.5 है तो 5, आप 5 को 0 बढ़ाएंगे, 5 को 0 बढ़ा दिए, 1 अंक को 10 है तो 1 अंक को यहाँ 10 लगा देंगे, ठीक। अब गुणे 4 ही हो जाएगा, बटे में ये कितना हो जाएगा, ये 10 हट के यहाँ आ जाएगा ना, क्योंकि 5 0 बढ़ाएंगे आप 5 अंक के बाद 10 लगाएंगे तो 10 यहाँ लगेगा, यानी कि हो जाएगा सीधा सीधा 1,7,3,2,5 इतना हो जाएगा। अब इससे जो है इसमें भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, ठीक, एक बार में कटेगा, और 4 को 0 बचा हुआ है तो 4 को 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4,40, ठीक है, यानी कि 40,000। अब बटे जो है कुछ नहीं, बटे कहाँ कुछ है, ठीक है। तो इतना बराबर कितना है, 2, और R² के बराबर है ना, यहाँ पे देखिए ना इसी को ना किया जा रहा है, 2R² 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 करते जा सकते हैं आप लोग, 2R², ठीक है। तो 2R² बराबर इतना हो गया, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे तो 4R² हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40,000, ठीक, 40,000 हो गया। तो R² बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा,
40,000, अब बटे 4, 4 से 4 काट दीजिए तो हो जाएगा 10,000। 10,000 का जो अब आर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका रूट हो जाएगा 10,000 का, ठीक। और 10,000 का रूट का मतलब ये जो है 100 का वर्ग होगा, अंडर रूट में लिख सकते हैं 100 का वर्ग, कर्णी का अंदर वर्ग संख्या बाहर हो जाता है तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया 100, यानी कि रेडियस हम लोग का निकल गया 100। रेडियस कितना निकला, 100, ठीक है। रेडियस का मान 100 हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग के क्षेत्रफल के लिए हम लोग को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के और जो क्या करना पड़ेगा, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देना पड़ेगा, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग जो है लिख सकते हैं 1/6 भाग का क्षेत्रफल, चाहे पहले इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो तीनों त्रिज्याखंड का अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, तो इसके प्रत्येक कोण जो है कितने अंश का होगा, 60 डिग्री का होगा, होगा ना, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, क्योंकि जो प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी तो सभी कोण बराबर होंगे, और सभी कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होगा। तो समबाहु त्रिभुज का थीटा जो है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और रेडियस हम लोगों को पता हो गया 100, ठीक है। तो अब इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है होता है क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना, हाँ। और चूँकि तीन है, तीनों सेम है, तो इसमें तीन से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल हो जाएगा, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर 3 × θ/360 πr² अब थीटा 3 × θ का मान कितना है, 60 है, अब बटे 360 और गुणा जो है पाई का मान जो है ले लेना है 3.14 लेना है, और गुणा आर का मान कितना है, 100 है, इसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो बराबर अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 6×6 36 हैं, और 3 × 2 = 6 हैं, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा ना, 1/2 भाई केवल नीचे 2 बचा है, तो 1/2 हो गया, अगुणा 3.14 अगुणा 100 अगुणा 100 हो जाएगा ना, 100 × 100, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 3.14 × 100 अगुणा 50, ठीक है। तो अब इसको जो है लिख देंगे इतना, ठीक है, मैंने इसको इतना लिख देंगे। अब इसका जो इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000, ये इतना हो जाएगा, 2 अंक को 10 मिनट लग जाएगा, मैंने इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 को 0 बढ़ाएंगे, ठीक, और 2 अंक को 10 मिनट है तो 2 अंक को 10 मिनट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 314 × 50, ठीक है। तो 314 × 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 15700, ठीक है, 15700 ये हो जाएगा, ठीक है, वर्ग 15700 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी ये हो गया, 15700 वर्ग सेमी ये हो गया, किसका क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल हो गया। अब तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो अब वांछित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे वांछित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 17320, 17320.5 दिया है, माइनस में जो है कितना कर देना है, तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकला है 15700, 15700 ये निकला है, ठीक है, 15700 ये निकला है। अब घटाएंगे तो कितना होगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा
1620.5, 1620.5 वर्ग सेमी। ठीक है, इतना जो है रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया, पथ का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है निम्न आकृति ओ ए सी बी के केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, यदि ओ डी बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, और संरेखित भाग का क्षेत्रफल यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये वृत्त का जो है क्या है चतुर्थांश है, मैंने 1/4 भाग है। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग निकाल देंगे। ठीक है, मैंने इस भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है भाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, या वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 कर दिया जाए तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे तो चौथा भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और तो ये जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, और संरेखित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका फिगर कुछ ऐसे ही है, ऐसे है ना, देखिए, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है चौथा 1/4 भाग है, मैंने जैसे कि वृत्त को जो है 1/4 भाग में बांट दीजिए तो ये वाला हिस्सा जो है ये, ठीक है ना, ये पूरा टोटल जो है क्या है चौथा भाग है, 1/4। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, 1/4 का चौथा भाग। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के 1/4 कर दें तो इसका भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे आकृति चतुर्थांश, लिखेंगे चतुर्थांश, यहाँ पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश ए ओ से शुरू कीजिए, ओ ए सी, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 1/4 पाई का मान जो है क्या ले लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, पाई का मान 22/7 लेना है, और आर का मान 3.5 होगा, क्योंकि यही जो है देख रहे हैं ना, यहाँ से त्रिज्या हो सकता है ना, तो ये जो है त्रिज्या हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 3.5, तो 3.5 × 3.5 होगा क्योंकि वर्ग करना है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, 1/4 और 7, तो 7 × 5 = 35 यानी कि 0.5 ही हो जाएगा, होगा ना। और जो है इसको काट सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 22। ठीक, और कटेगा हम नहीं कटेगा, तो ऊपर कितना आएगा, 11 × 5 × 3.5, ये हो जाएगा 11 × 10.5 × 3.5, ये हो जाएगा नीचे कितना, नीचे 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 × 11 देखिए 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं ना, अगुणे 3/3.5 को लिख सकते हैं 35/10 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे, नीचे भी करेंगे। ठीक, तो नीचे 10 रहेगा, ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं 1/2 × नहीं समझ में आएगा तो इसका इसका और इसका गुणा करके 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है ना, अब जो है हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 होगा ना।
होगा 11 सतह 77 बटे 2 गुणे 2 तो 77 बटे 2 दुना 4 दुना 8 हो जाएगा। ठीक है, 77 बटे 8 वर्ग सेमी इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, 77 बटे 8 वर्ग सेमी। ठीक है, आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग जो है ज्ञात करेंगे किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखें, अब जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा क्या हो जाएगा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई होगा ना, तो 1/2 आधार कितना है 3.5, ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से ओ डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3.5 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, 3.5 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3.5 को 3/35/10 लिख सकते हैं, 2 5 7 35 5 2 10 यानी कि 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 7/2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 7/2 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, 7/2 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। तो अब हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज किसका निकालना है, ए ओ डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है 77/8 माइनस में ओडी का क्षेत्रफल कितना आया है 7/2 ये ना आया है। तो 77/8 माइनस 7/2 को सॉल्व करेंगे तो 8 और 2 का लॉस कितना होगा, 8 होगा, तो हो जाएगा 77, 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 × 8, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, और माइनस में जो क्या हो जाएगा 2 चौको 8 तो 7 चौको 28 हो जाएगा, भाई 2 चौको 8 4 बार में जाएगा, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा होगा। अब 77 में से 28 घटा देंगे तो 77 में से 28 घटाएंगे तो हो जाएगा 49/8। ठीक, तो 49/8 वर्ग सेमी जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो जो है 49/8 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।